असलकम टुडे इज़ लेक्चर नाइन इन द इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स अब तक उम्मीद तो यह है कि जी आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स बन गए होंगे नहीं तो कुछ और टूल किट के अंदर चीज़ें डालते हैं लेकिन रिम्बर आई मैंशन लास्ट टाइम दैट योर टूल किट इज़ एसेंशली कम्प्लीट अब आपको डिसीजनस प्रोग्राम करने आते हैं आपको लूप्स प्रोग्राम करनी आती हैं और सीकुंस तो है ही कि जी जस्ट अ सिंपल ऑर्डर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन तीन चीज़ों से सारे प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं अब उन प्रोग्राम्स को हम जरा आगे चलते हैं और रिफ़ाइन करते हैं और देखते हैं कि जी और क्या टूल्स हम ऐड करें तो हमारी प्रोग्रामिंग ज़िंदगी जो है वो ज़रा आसान हो जाएगी सो so, आज के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हम मेजर पोर्शन जो है वो फंक्शनस के ऊपर टाइम लगाएंगे ये फंक्शनस क्या होते हैं सी जो है वो आप पढ़ा भी होगा और सुनेंगे भी कि वो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है व्हाट डज दैट मीन व्हाट इट मीन्स इज दैट ऑल सी प्रोग्राम्स आर कंपोज्ड ऑफ फंक्शंस ठीक है यू बिल्ड अ बिग प्रोग्राम अ बिग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आउट ऑफ स्मॉलर प्रोग्राम्स ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड अ फंक्शन हाउ इज़ दैट एडवांटेज टू अस देखिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर देखें कोई भी एक टास्क ले लें कोई रीज़नेबल साइज़ का काम जो है तो आप देखेंगे कि उसको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम किया जा सकता है हर टुकड़ा जो है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करके अगर एक तरतीब से किए जाएं तो टास्क एक्म्प्लिश हो जाता है मिसाल के तौर पर समझे हमने एक लैब स्टूल बनाना है ठीक है लेबॉर्टरी का स्टूल आपने देखा होगा एक सीट है उसके ऊपर नीचे तीन टाँगें लगी हुई हैं बह दबे कभी सोचा है कि स्टूल की तीन टांगें क्यों होती हैं चार क्यों नहीं होती हाँ चार वाले स्टूल चार टांगों वाले स्टूल भी बनते हैं लेकिन थिंक अबाउट इट द प्रॉब विद ओके दैट वॉज एन असाइड जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरी डे अफेयर नन देश गो बैक टू द प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्टूल अब स्टूल बनाने के लिए हमें क्या करना है हम एक सीट तैयार करें ये हम लकड़ी के काम की बात कर रहे हैं और फिर उसके लिए तीन टांगें बनाएं और फिर उनको असेंबल करें तो स्टूल बन जाता है देखें मेजर प्रॉब्लम जो था या मेजर टास्क जो था वो है स्टूल बनाना और फिर उसके सब टास्क अगर देखें तो क्या है कि जी एक टास्क है सीट बनाना और एक टास्क है टाँगें बनाना टाँगें अगर हमने कहा तीन बनानी हैं और वो आइडेंटिकल हैं तो यू कैन इवन थिंक ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ कि जी एक काम तीन दफ़ा किया जाएगा एक उसकी लेग फैशन करें फिर दूसरी लेग फैशन करें उसी तरीके से और फिर तीसरी बनाएं आइडेंटिकल और फिर एक टास्क रह जाता है असम्बली का सो वी हैव टेकन अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड ब्रोकन इट डाउन इन टू सिंपलर पीसेज दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिजाइन और एज वी कॉल इट टॉप डाउन डिज़ाइन जब भी हम टॉप-डाउन डिजाइन की बात करते हैं हम यही बात कर रहे हैं कि जी पहले प्रॉब्लम को ऊंचाई से देखें दूर से देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या क्या चीज़ हमने हल करनी है फिर उसको रिफाइनमेंट के तरीके, आई मीन कम डाउन रिफाइन इट वन स्टेप एंड सेट्स ब्रेक इट अपू स्मॉलर पीसेजन दैट स्टेप देन वी गो डाउन एंड से डिडेड इन टू फर्दर स्मॉलर पीसेस यू कीप ऑन डूंग स्मालस्ट पीस इज अ वेरी वेरी मैनेजेबल टास्क ना आप कोई भी एग्जांपल ले लें घर बनाने का एग्जांपल है तो उसको टॉप लेवल से देखेंगे तो जी एक घर बनाना है ठीक है उससे नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो कहेंगे कि जी इसका नक्शा होना चाहिए और नक्शे के मुताबिक फिर कमरे बनने चाहिए कमरा कैसे बनता है कि जी उसकी दीवारें बननी चाहिए और छत डलनी चाहिए दीवार कैसे बनती है तो जी ईंटे लगती हैं और सीमेंट लगता है चुनाई होती है ठीक है ना उसके बाद दरवाजे लगते हैं खिड़कियाँ लगती हैं

और फिर ये जब टॉप डाउन एनालिसिस और डिज़ाइन हो जाता है फिर हम उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं जो कि दूसरी तरफ को चलती है तो आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स जिनको हम सी में फंक्शंस कहते हैं वो फंक्शंस लिखते हैं और फंक्शंस जो है उनको असेंबल करते करते हम प्रोग्राम बना लेते हैं इसके अंदर ये फंक्शन क्या है और फिर उसके अंदर हम उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं उसको क्या चीज़ भेजी जाती है वो क्या चीज़ वापस देता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे वेरी सिम्पल प्रॉब्लम जिसको हम सब टास्क में कन्वर्ट करते हैं सपोज मैं बैठा हुआ मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि जी इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आई कैन कॉल आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एन से जी गिव मी दूडेंट लॉग इन टू द वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो चला जाता है वो अपनी कमांड देता है डेटा में देखता है या देखता है नेटवर्क एक्टिविटी कितनी हो रही है और उसके बाद उसके पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है जो इस वक्त लॉग इन है वो लिस्ट की गिनती करता है एंड ही कम्स बैक आफ्टर अ वाइल सेज कि जी इस वक्त 2300 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं अब देखें इस वह प्रोसेस में हुआ क्या है मैंने एक रिक्वेस्ट की है और वो रिक्वेस्ट एक वेल डिफाइंड एंड रिक्वेस्ट थी मुझे चाहिए कितने स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैज गॉन ऑफ परफॉर्म द टास्क एंड देन कम बैक विद द रिजल्ट दो तीन चीजें हुई एक तो एक मॉडुलर चीज हो गई सम बॉडी डेल डिफाइंड टास्क आई ऑन द अदर हैंड कुड है इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग भी कह सकते हैं और कई लैंग्वेजेस जो हैं इस इसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जी हो सकता है कि जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने क्वेरी की तो उसके पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आई जिसको उसने गिना था मुझे उस लिस्ट से कोई गर्ज नहीं है सो दैट इन्फॉर्मेशन आई डू नॉट नीड एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी इन अ वे दैट इन्फॉर्मेशन वॉज हिडन फ्रॉम मी मेरे से वो छुपी हुई थी इन्फॉर्मेशन सो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग या इनकेप्सुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन कॉल कि जी जिस चीज़ का मेरे साथ गर्ज नहीं है वो मेरे पास क्यों आए मैं उसको क्यों हाथ लगाऊं मैं उसको क्यों देखूँ सो आईव डेलीगेटेड अ टास्क ही वेंट आउट ही परफॉर्म्ड इट ही केम बैक एंड गेव मी द रिजल्ट नाउ इन ऑल ऑफ दिस फॉर एग्जाम्पल मैं इसको छोटा सा क्वालिफाई कर दूँ ताकि हम आगे चल सकें कि जी मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि जी टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में कितने बच्चे इस वक्त लॉगड इन हैं सो नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट व्हाट हैज हैजन आई हैव गिवन आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट एंड आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड हिम सम इन्फॉर्मेशन आई सेड सेन एंड देन हीज गॉन बैक ही इज डन समी इज कम बैक विद द आंसर ओके सो दे थेंट आउट एज इंफॉर्मेशन डेटा कह लिए

सो कॉलिंग प्रोग्राम डज नॉट नीड टू सी वॉट द फंक्शन इज डूइंग एंड हाउ इट इज परफॉर्मिंग दैट टास्क दिस शुड बी क्लियर सो देर इज अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉलिंग मैथडोलॉजी फंक्शन कॉल होगी उसको आर्गूमेंट पास होंगे और फंक्शन एक रिजल्ट वापस पास करेगा लेटस गो बैक एंड थिंक अबाउट वो जो हम मेन लिखते थे हर सी प्रोग्राम में मैंने कहा था मेन एक होता है मेन भी बजाते खुद एक फंक्शन है सो so, in a way you already know what a function is. It has a name, it has a, an opening brace very curly bracket or it has an ending brace uh, an ending bracket or there is a body hai which performs the task. So we already know how to write functions. There are some enhancements in we will talk about before getting completely into the nitty-gritty of the function definition, thode se points apne mein clear some points in your mind. पहले हमने बात की है टॉप डाउन मैथडोलोजी की इसका दूसरा नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर बड़ा प्रोग्राम लें और प्रॉब्लम लें उसको डिवाइड करें एंड कॉन्कर एट ठीक है साथ साथ अगर आपको याद हो तो राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द द कोर्स मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि जी वो एक रिंग का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सो दैट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर री फंक्शंस उसके कैटेगरी में भी आते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस हवाले से कि जी कोड का री जो है वो हम फंक्शंस के जरिए से करते हैं अब देखते हैं कि जी फंक्शन की एक्चुअल कॉल की सिंटैक्स वगैरह क्या होता है फंक्शन जो हैं वो दो कैटेगरीज़ के होते हैं या वो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं या वो नहीं करते इन अदर वर्स द फंक्शन इट इज़ ऑप्शनल इट कैन रिटर्न अ वैल्यू और इट नीड नॉट रिटर्न अ वैल्यू इफ इट रिटर्न अ वैल्यू दैन द वैल्यू विल बी ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप सिंपल एज दैट यानी अगर मैं कहता हूँ एक फंक्शन है मेरे पास वो एक किसी नंबर का स्क्वेयर करके वापस करता है तो अगर नंबर इंटेजर है तो इंटेजर का स्क्वेयर जो है वापस आएगा तो वो भी इंटेजर होगा सो द फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट और इट कैन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल और एनी ऑफ द अदर सी डेटा टाइप्स उसके बाद एक हम रिटर्न वैल्यू

उसको इंटेजर पास होना है तो विद इन द पैरथिस वी विल राइट इंट ठीक है ना इंट के साथ एक्स आई वट एवर द नेम ऑफ द वेरिएबल दैट इज बीइंग पास्ड और व्हाट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द फंक्शन थोड़ा सा इसी वक्त हम बात कर लेते हैं डेक्लेशन की और डेफिनेशन की देखें जिस तरह हमने हम कहते हैं इंट आई इन प्रोग्राम दैट इज द डेक्लेन ऑफ ए इंटेजर दैट इज एन इंडिकेशन कि जी एक एक इंटीजर के लिए जगह रिजर्व कर लो ये कहीं पे क्रिएट होगा और इस्तेमाल होगा इसी तरीके से फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी है अगर आप ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आदत हो जाएगी अगर हम फंक्शन एक लंबी फाइल के अंदर ऊपर एक फंक्शन डिक्लेयर करें और बाद में उसको इस्तेमाल करें किसी और फंक्शन में लाइक like मेन में से तो फिर उसकी डेक्लरेशन और उसकी डेफिनेशन वो एक जगह पे इकट्ठी हो सकती हैं अगर हम उनको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करना चाहें और ये फिर आपका प्रोग्रामिंग स्टाइल आएगा कि जी फंक्शंस हमने एक और फाइल में लिखे हैं सारे लेकिन मेन अलग-अलग से लिख रहे हैं वो एक और फाइल में पड़ा हुआ है और मेन उन फंक्शन को इस्तेमाल करता है तो मेन कंपाइल नहीं किया जा सकता या उसमें आप फंक्शन को रेफर भी नहीं कर सकते जब तक मेन को पता ना हो कि फंक्शन की नोयत क्या है ये इसको क्या आर्गूमेंट्स भेजने हैं इसने रिटर्न क्या करना है उस वास्ते हम एक फंक्शन की डेक्लोरेशन मेन से ऊपर डाल देते हैं दैट इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट ऑफ द टाइप जिसमें रिटर्न टाइप दे देते हैं फिर फंक्शन का नाम दे देते हैं फैरथिस के अंदर हम लिस्ट दे देते हैं ऑफ द आर्गूमेंट टाइप्स नो नीड टू नेम द आर्गूमेंट्स वी कैन जस्ट राइट इंट ठीक है ना इंट कॉमा इंट कॉमा डबल अगर तीन आर्गूमेंट देने हैं

कि जब आप आर्गुमेंट्स की बारी आएगी तो आर्गूमेंट्स में आप आप variables के नाम डालेंगे सो नाव यू कॉन्ट से इंट कोमा इंट एजेंट लिस्ट यू है जो भी चाहिए हो फंक्शन को सो वंस दैट इज डन फिर उसका ओपनिंग प्रेस आएगा फिर अंदर जो भी फंक्शन ने प्रोसेस करना है वो होगा और फिर क्लोजिंग प्रेस आएगा नावी गो बैक And think about what is the return type of the function and how is that returned to the calling program. kaha if we function and let's say, square, and let's say we are talking integers. So we are going to say something like int square parentheses int. स्क्वेर इज द नेम ऑफ द फंक्शन ये हमने अपनी तरफ से दिया इट्स लाइक द वेरिएबल नेम एंड ऑफकोर्स अगेन वी कांट यूज अव वर्ड फॉर दिस फॉर द फंक्शन नेम ये जो मैंने अभी लाइन बताई है इंट स्क्वेयर इंट ये तो होगी फंक्शन की डेक्लेन अब अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाए तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जी इंट स्क्वेयर फिर पैरथिस के अंदर इंट आई इसका मतलब है कि जी स्क्वेयर को एक इंटीजर पास किया जा रहा है उसका नाम यानी वेरिएबल नेम इज आई फिर ब्रेसेस आएंगे अब इस प्रोग्राम के अंदर या इस फंक्शन के अंदर हमने आई का स्क्र लेना है वो तो सिंपल है आई टाइम्स आई कर लें ठीक है स्क्वेयर तो लेना हमें आता है लेकिन इसको वापस भी करना है वापस करने के लिए देर इज अ स्पेसिफिक सी स्टेटमेंट इट इज़ कॉल्ड रिटर्न आर ई टी यू आर एन यानी वापस करो सो वट वी डू इज समथिंग लाइक रिटर्न देन वट एवर वैल्यू वी वॉन्ट टू रिटर्न वो उसके आगे लिख दी जाती है और एंड पे सेमीकोलन रिमेंबर द टाइप ऑफ द फंक्शन विच से रिटर्न के बाद इंटीजर ही होना चाहिए इन दिस केस द एग्जाम्पल दैट वी वर्किंग विद इट्स वेरी सिंपल वी जैसे रिटर्न आई टाइम्स आई सो आई स्टार आई सेमिकोलन वहीं पर कैलकुलेट होगा वही फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी एज ऑलवेज दिस फंक्शन

तो असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड के ऊपर फंक्शन नहीं हो सकता वहां पे फिर सिंपल वेरिएबल वेरिएबल ही होगा जिसको एक वैल्यू असाइन की जा रही है ऑन द अदर हैंड द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट वी आर कंप्लीटली फ्री टू डू विद वॉट वी वांट। वी कैन हैव अ सिंपल वेरिएबल वी कैन हैव अ कॉम्पलेक्स एक्सप्रेशन वी कैन हैव अ फंक्शन कॉल वी कैन हैव अ फंक्शन कॉल एज पार्ट ऑफ अ कॉम्पलेक्स एक्सप्रेशन वी कैन हैव मेनी फंक्शन कॉल्स सो मेनी थिंगस कैन बी डन फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को अगर लें जिससे हम काम कर रहे थे इसको, let's say कि इसको लेट से जी एक्स मेरे पास एक और वेरिएबल है ऑफ टाइप इंट जिसके अंदर स्क्वेर के वैल्यू स्टोर की जाएगी तो यह फंक्शन कॉल जो है ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू रिमेम्बर इक्वल टू इज दसाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू की बात हो रही है सो वी विल राइट एक्स इक्वल टू स्क्र आई सेमिकोल और आई जो है वो पैरिस के अंदर लिखा हुआ है So the whole mechanism of the function call is you name the function and you list the arguments, the variables that are going to be passed to that function. The function then does a computation and returns a value. When the value is returned, so equal to sign jo hai us value ko x ke saath associate kar degi, yani x will be assigned that value. There can be many functions that do not return, need to return a value, and therefore they cannot be on the right-hand side of an assignment statement. Okay, so they can be on a standalone line. They can go do something, and that something is done, and there is nothing returned. So then we don't need to put them in part of a, as a part of an assignment statement. let's write a real function, which we can use. Let's talk a about C. language. It's a good thing that we have to अरेथमेटिक ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस मॉजुलो खत्म स्पास्ट लैंग्वेज के नुकसान भी हैं नुकसान ये है कि जी मैं अगर किसी नंबर को रेज टू द पावर करना चाहूँ तो अनफॉर्चुनेटली कोई ऑपरेटर नहीं है मेरे पास जिससे मैं उसको एक्स टू द पावर एन कर सकूँ उसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ता है सो देट इज वाई वेन पीपल टॉक अबाउट सी बिंग अ फंक्शन ओरिएटेड लैंग्वेज दिस वॉट द मीन यू राइट अ फंक्शन फॉर एवरीथिंग फंक्शन कैन बी अ सिंगल लाइन इट कैन बी अ पेज इट कैन बी टू पेजेज इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स यू वॉन्ट इट लेट एस टेक दिस प्रॉब्लम वी वॉन्ट टू रेज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर टू एन इंटेजर पावर सो एक्स टू द पावर एन हम लेना चाह रहे हैं वे एक्स जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो हम कह देते हैं डबल है और एन जो है वो इंटेजर है उसके लिए फंक्शन लिखा जाए पहले तो ये सोचें कि जी एक नंबर की पावर कैसे ली जाती है ठीक है वट यू थिंक स्प्रिड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सक्वेड इज x मल्टीप्लाइड बाई x, एक्स क्यूब इज़ x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x. यानी उस नंबर को अपने साथ उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है जितनी हमें पावर चाहिए सो so, अब अगर हम एक फंक्शन लिखना चाहें जो कि किसी नंबर को रेज टू द पावर n कर सके तो उस फंक्शन को हम भेजेंगे क्या पहले तो ये सोचें सो so, हम उसको नंबर भेजेंगे और फिर वो पावर भेजेंगे ये दो चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे एज आर्गूमेंट्स टू द फंक्शन उसके बाद वो अपनी जो भी कंप्यूटेशन करता है वो हमें वापस क्या देगा वापस वो देगा रिजल्ट सो so, अगर नंबर एक रियल नंबर हमने भेजा है वी एक्सपेक्ट द आंसर टू आल्सो बी अ रियल नंबर सो इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन डेक्लेन इट विल है नीम लेट्स ए वी कॉल इट रेज टू पावर और रेज टू पावर पी ठीक है ना कीप इट शॉर्ट

कहीं पर कोई स्टोर करने के लिए चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हम रिजल्ट जो है वो स्टोर कर सकें द रिजल्ट विल बी ऑफ टाइप डबल सो वी से डबल रिजल्ट सेमी कॉलन उसके बाद वी जस्ट हैव टू रन अ लिटल लूप से अपने साथ इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो अगेन आईड मैं गो देट वेन एवर वी डूइंग एन एडिशन एक्सरसाइज फाइंड द सम ऑफ सर्टन नंबर तो यूजली जो रिजल्टिंग मेमरी लोकेशन होती है उसको हम इनिशलाइज जीरो से करते हैं और जब भी हमने कोई मल्टीप्लीकेशन वाला काम करना हो ये डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब बट मैं एक हिंट या टोटका जिसको कहते हैं ना वो आपको बता रहा हूँ तो मल्टीप्लीकेशन वाले काम में हम यूजली वन से शुरू करते हैं तो अब मुझे एक लूप चलानी है पावर टाइम्स वो चलेगी सो so, एक लूप काउंटर भी चाहिए देट इज़ यूजली एन इंटेजर सो वी से इंट आई ठीक है ना आई इज स्म इट इज कन्वेंशन The name doesn't mean much, okay? So we're in a way violating a little rule, saying that the variable name should mean something. You could call int counter but i, j, k, bade purane, traditionally old nam names for integer variables usually used to control loop counters. So we will use i. So we say double result semicolon int i semicolon. Uske baad, let's initialize the value of result. The result starts with the value one. रिजल्टीरोगा उसको प्रोमोट कर देगा फ्रॉम इंटेजर टू डब और फिर असाइन हो जाएगा बट लेट्स बी एक्सप्रेस इट हम चाह रहे हैं कि रियल नंबर इस्तेमाल हो तो हम वन पॉइंट जीरो लिख देते हैं उसके बाद हम करेंगे क्या हमारे पास नंबर आया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड एक्स जो आर्गूमेंट लिस्ट में आया था वो विद इन द फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है तो हम कहते हैं कि रिजल्ट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट वन से शुरू हो रहा है एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में वैल्यू एक्स आ जाएगी और फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट में वैल्यू एक्स स्क्ड आ जाएगी फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब्ड हो जाएगा एंड सो ऑन कितनी दफा करना है पावर टाइम्स पावर कौन सी चीज है वो जो आर्गमेंट पास हुआ था हमारे पास कॉलिंग प्रोग्राम की तरफ से इंटीजर के तौर पे सो बाय नाउ होपफुली यू नो हाउ टू राइट लूप्स सो इट्स अ सिंपल लूप वी कैन यूज़ वाइल वी कैन यूज़ फॉर वी कैन यूज वट वी वांट इन दिस केस लेट अस यूज अ फॉर लूप सो वी से रिजल्ट इक्वल्स वन वन वो इनिशलाइजेशन हो गई फिर हम फोर लूप लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू वन सेमी

लेस दैन और इक्वल टू पावर तक सो so, नैचुर हम गिनती शुरू करते हैं एक दो तीन हम कभी जीरो वन टू नहीं करते लेकिन होपफुली वन यू बिकम ए कम्प्लीट सी प्रोग्रामर आपकी गिनती जीरो से ही शुरू हो रही होगी एनी अदर सी प्रोग्रामर वु हैव रिटन और अधर एन एक्सपीरियंस सी प्रोग्रामर वु रिटन फॉर आई इक्वल टू जीरो सेमीकोलन आई लेस देन पावर सेमीकोलन गिनती करनी है जीरो से लेस देन की गिनती उतनी ही होगी जो कि वन से लेस देन और इक्वल टू की गिनती है सो दिस अगेन एक्सपीरियंस एंड अ मैटर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज आर कंफर्टेबल विद अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर आते हैं बॉडी के अंदर हमने क्या करना है वी वॉन्ट टू अक्यूमुलेट द इन द वेरिएबल कॉल रिजल्ट एक्स की मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट के ऊपर देखा हमने इनिशलाइज किया था बाय वन सो हेयर वी से रिजल्ट इक्वल result times x. So result star x semicolon. But why should we write it like this? We already have an operator. Jaha hum compound operator is kar sakti So let's use that. So we say result star equals x semicolon. And it is read as result equals result multiplied by X. That is the end of the for loop. So for loop power times chaligi और रिज़ल्ट में x पावर टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा विच मीन x टू द पावर एन या पावर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा अब एक आखिरी हिस्सा रहता है वो ये है कि जी इस रिजल्ट को वापस करना है सो फॉर लूप जब ख़त्म होती है उसके क्लोजिंग ब्रेस के बाद हम कह देते हैं रिटर्न रिजल्ट सेमिकॉलन क्लोजिंग ब्रेस फंक्शन कम्प्लीट सो क्वाइट सिंपल वेन वी से रिटर्न रिजल्ट तो ये आंसर जो है ये कॉलिंग प्रोग्राम को चला जाएगा अब लेट्स सी के जी इस फंक्शन जो हमने बना लिया है इसको कॉल कैसे किया जाए सो वी विल राइट अ लिटल मेन टू कॉल दिस प्रोग्राम इन दिस केस अगेन सिंस वी वांट टू सी द रिजल्ट्स वी विल स्टार्ट आउट विद शॉप इंक्लूड आई यो स्ट्रीम डॉट एच एंड सो ऑन फिर मेन आ गया फ्रेंथिस और राधा ओपनिंग ब्रेस आ गई उसके बाद हम लेट से हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि जी कौन सा नंबर और उसको किस पावर पर रेज करना है सो so, Be polite, use a C out statement to say please enter the number or C in hum uski value get lete hain. I won't go over the details, but that's basically what you want to do. Then again give a prompt, say C out, um, please enter the integer power that you want this number raised to, or C in sath aap value lele lete hain. Suppose the number is in a double variable called X, and the power is in a double variable called I. वो हमने डिक्लेयर किए सी इन के साथ वैल्यूज असाइन हो गई अब आती है फंक्शन कॉल तो हम डायरेक्टली किसी को असाइन नहीं करते हम उसका आंसर ही प्रिंट करा देते हैं सो वी कैन राइट समथिंग लाइक अ कंपाउंड सी आउट स्टेटमेंट टू प्रिंट द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन एंड वी से सी आउट लेस दैन लेस दैन विद इन कोटेशन मार्क्स द स्क्र और राधा एक्स रेज टू द पावर एन और ये एक्स और एन की जगह पर आप नंबर की वैल्यूज़ प्रिंट करें ठीक है वो कोटेशन मार्क्स के बाहर आएंगी वेरिएबल के नाम आएंगे और फिर एंड पे आप कह दें इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स के अंदर और फिर लेस देन लेस देन अब यहां पे आप सीधा फंक्शन कॉल लिख सकते हैं और ये फंक्शन कॉल होगी रेज टू पाओ ओपनिंग पैरथिस एक्स कॉमा आई क्लोजिंग पैरथिसिस सेमी कॉलर देखें जहां पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है वहां पे मैंने डबल इंट वगैरह कुछ नहीं लिखा इट इज इंपॉर्टेंट टू नो न यूजिंग द फंक्शन इन साइड एना द प्रोग्राम यू डोंट शो कि जी इसकी रिटर्न टाइप डबल है इसको एक डबल और एक इंट पास हो रहा है वो डिकलेशन और डेफिनेशन का हिस्सा है वो हो चुका अब है एक्चुअल फंक्शन कॉल की बारी तो फंक्शन कॉल सिंपली इस्तेमाल होता है नेम ऑफ द फंक्शन एंड द आर्गोमेंट लिस्ट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स अब वट डू यू एक्सपेक्ट कि जब यह फंक्शन रिटर्न होगा होपफुल एवरी थिंग कंपाइल रन फाइन उसकी स्क्वेर की वैल्यू या to the power n की वैल्यू आ गई आपने प्रिंट करवा ली जो ओरिजिनल वैल्यू थी x की और जो ओरिजिनल वैल्यू थी i की उनको क्या होगा कैन यू गिव दैट अ थॉट एग्जैक्टली जैसे पहले हमने बाइनरी ऑपरेटर्स की बात की थी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी तो हमने कहा था जी a को और b को कुछ नहीं होता वो कहीं पे कैलकुलेशन होती है उसका रिजल्ट एक्स को असाइन हो जाता है तो एक्स इज अफेक्टेड बट इ एंड वी आर नॉट टचड इन दिस केस आल्सो व्हेन वी से रेज टू द पावर एक्स कॉमा आई ना एक्स को कुछ हो रहा है ना आई को कुछ हो रहा है सिर्फ उनकी वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं किसी कैलकुलेशन के अंदर और कैलकुलेशन के बाद उनकी वैल्यू कहीं पर असाइन हो रही है या हम प्रिंट कर रहे हैं डिस्प्ले कर रहे हैं सो दे मेनी थिंग्स वी कैन डू विद इट प्लस वी इज बी अवेयर ऑफ दिस दैट

कॉलिंग प्रोग्राम में अपने पास उनकी एक कॉपी चलेगी उस कॉपी के साथ जो मर्जी करे ठीक है ना मेन प्रोग्राम में या कॉलिंग प्रोग्राम में कुछ नहीं होता सो यू हैव टू हैव अ फंक्शन हर आकी का जी देर इज अ कॉलिंग प्रोग्राम एंड देर इज अ कॉल्ड प्रोग्राम सो द कॉल्ड प्रोग्राम इज आर सब फंक्शन और द फंक्शन देट वी नॉर्मली कॉल लेट्स गो ऑन एंड लुक एट वन मोर एग्जाम्पल देट विल बी द एरिया ऑफ द रिंग और ये कोड री यूज की तरफ अब मैं जा रहा हूँ ठीक है ना सो लेट्स लुक एट हाउ डू वी प्रोग्राम दैट सो इफ यू रिमेंबर वी है स्पोकन अबाउट कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रिंग मैंने कहा था कि जी एक रिंग जो है इट बेसिकलीसिसू कंसेंट्रिक सर्कल्स तो अगर हमें सर्कल्स का एरिया निकालना आता हो तो आप बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो एरिया बचेगा वो रिंग का एरिया होगा सो इन अ वे वॉट वी नीड is a function to calculate the area of a circle. Well, hopefully, you all know what it is. Pi r squared, where r is the radius of the circle, pi r squared represents the area of the circle. So let's first write the function to calculate the area of a circle and then use it in a program to calculate the area of a ring. So our function will return the area. The area should be of type डब यू कॉन्ट एक्सपेक्ट के जी पाए के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो इंटीजियर रिटर्न हो रहा हो सो इट इज़ डब फिर फंक्शन का नाम लिखना है लेट्स यूज अ डिस्क्रिप्टिव नेम रूल्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग सो विज सर्कल एरिया वन वर्ड जस्ट यूज सर्कल एरिया और इसको एक चीज़ पास करनी है क्या चीज़ चाहिए हमें भाई आप कह सकते हैं जी पाए पास करना है और रेडियस पास करना है तो पाए तो एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है So why should we pass its value? We'll use it as a constant. So we only need to pass a radius to this function. So we say double circle area parentheses me double radius, parentheses closed. So the variable which is holding the value of radius is called radius. Simple. Again, using a name that means something. Curly braces, open, close, me, body of the function. बॉडी ऑफ द फंक्शन इन दिस केस अगेन इज एक्सट्रीमली सिंपल इट्स अ सिंगल लाइन यू कैन जस्ट रिटर्न द वैल्यू इन द सेम लाइन कैलकुलेट करके साथ ही रिटर्न कर दें सो वी से रिटर्न पाई की वैल्यू कोई भी डेसिमल पेसेस तक ले लें थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स बहुत काफ़ी है टाइम्स स्टार रेडियस स्टार रेडियस सेमिकोलन खत्म फंक्शन लिखा गया सो दैट लाइन विच हैज रिटर्न 3.1415926 times radius times radius is doing the computation and returning the result of type double to whichever program needs to use this function. Function gaya. Now let's go and write a program that will use this function. So, usme to main or iostream hi aigay because it's the program where we want to start. Let's start out by requesting from the user. जी वो रिंग के आउटर और इनर सर्कल्स के रेडियाई बताएं, सो वी से सी आउट प्लीज एंटर द आउटर रेडियस वैल्यू ठीक है और हमने डिक्लेयर कर रखे हैं दो वेरिएबल्स लेट्स कॉल देम रेड वन एंड रेड टू व्हिच आर ऑफ टाइप डबल, एंड रेड वन विल कंटेन द बिगर सर्कल्स रेडियस एंड रेड टू विल है स्मॉलर सर्कल्स रेडियस सो हमने ट्रॉम्प दे हमने कहा सी एन रेड वन फिर दूसरा प्रॉम्प्ट किया कि जी सी आउट समथिंग लाइक प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल और सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन रेड टू हर चीज के बाद सेमी कॉलन आ रहा है यू नो दैट ऑलरेडी अब आती है फंक्शन कॉल के जी अब हमने एरिया ऑफ द रिंग कैलकुलेट करना है सो लेट्स हैव अ वेरिएबल वो भी ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है समथिंग लाइक डबल रिंग एरिया आपने यहां पे लिखा रिंग एरिया इक्वल्स सर्कल एरिया रेड वन क्या चीज रिटर्न करेगा द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस वन एंड वी है आउटर रेडियस रिंग का एरिया चाहिए तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट समी से माइनस सर्कल एरिया रेड टू सेमिकोलन खत्म अब देखें दो तीन चीजें हमने यहां पर की जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई लेफ्ट साइड पर तो एक सिंपल वेरिएबल आ गया रिंग एरिया right side of the assignment statement actually contains two function calls to the same function. There is no rule which says that this function call called You can call it as many times as you want. So we called it once with an argument of rad1 which was the outer radius. It gave us an area of circle radius rad1. And minus so we subtracted from it the area of the circle having radius rad2. अब हमारे पास रिंग एरिया आ गया है वी कैन से सी आउट द एरिया ऑफ द रिंग इनर रेडियस एन आउटर रेडियस रिंग एरिया सो आई गो इन दिटेल हैंड आउट्स आप खुद भी लिखें सो इट्स क्वाइट सिंपल ये एक हमारा मेन फंक्शन है जो कि एक फंक्शन को कॉल करता है अगेन रेड वन इन रेड टू जब फंक्शन में पहुँचते हैं तो एक दफ़ा एक जा रहा है और उसका नाम वहाँ पर फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल में बैठा हुआ है नेम रेडियस

something like i minus j. So, we said circle area red 1 minus circle area red 2. So, you can use functions in expressions as long as the the return value of the function makes sense in that expression and result you have assigned. So, it is quite simple the function mechanism. It is fairly simple and the functions are extremely versatile. just we call them, call Just 2 rules. KG, you can't assign something to a function. So a function doesn't occur on the left hand side of an assignment statement. You can say uh, something like some other variable equals two times circle area. So two star circle area red one. That's valid. It's a valid arithmetic expression. So functions can form part of arithmetic expressions, as long of course, as they are returning an arithmetic value. But of course, as I said earlier. फ़ंक्शंस कैन इधर नॉट रिटर्न अ वैल्यू और क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ंक्शंस को लेट्स गो बैक एंड थिंक अबाउट इट अ लिटल बिट मोर देखें इस एग्जांपल से हमें क्या चीज पता चली मेन चीज कि जी कोड्री यूज हो गया सर्कल एरिया हमने दो दफा कॉल कर लिया है एक दफ़ा रेड वन के साथ एक दफ़ा रेड टू के साथ तो हमने दो दफ़ा कोड नहीं लिखना पड़ा अगर हम फंक्शन ना इस्तेमाल करते तो मेन प्रोग्राम इस तरह भी लिखा जा सकता था कि जी रिंग एरिया इक्वल्स थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स टाइम्स रेड वन टाइम्स रेड वन माइनस वही पाई की वैल्यू टाइम्स रेड टू टाइम्स रेड टू इतने सिंपल प्रॉब्लम के अंदर फंक्शन की ज़्यादा यूज़ नज़र नहीं आता लेकिन इनकेप्सुलेशन आपने देख ली कि एक सर्कल एरिया एक फंक्शन और भी किसी काम आ सकता था हमने वो लिख लिया और उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं सो देर इज अ री यूज ऑफ द कोड एज पर द रूल्स और सम गाइडलाइंस द फंक्शन परफॉर्म्स अ वेरी स्पेसिफिक टास्क वेरी क्लियर सर्कल का एरिया कैलकुलेट करता है रिंगशिंग का उसको कुछ नहीं पता वो मेन प्रोग्राम का काम है एंड सो ऑन सो यू कैन बिल्ड अप इन मॉड्युलर फॉर्म

अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए यानी हाउ टू कॉल अ फंक्शन अगर फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो कहीं बाद में आ रही है प्रोग्राम के अंदर इट्स अ सेपरेट मॉड्यूल इट कम्स बिलो द कॉलिंग प्रोग्राम देन द कॉलिंग प्रोग्राम नीड्स टू नो हाउ टू कॉल द फंक्शन एंड वॉट डज इट रिटर्न उसके लिए हम उसकी डिक्लेरेशन ऊपर दे देते हैं ठीक है सो इट्स अ सिंगल लाइन डेक्लरेशन देन वी कैन यूज़ द फंक्शन और फिर उसके बाद में डेफिनेशन वगैरह हम इस्तेमाल मतलब डिफाइन कर देंगे और फिर कंपाइलर जो है वो उसको इट टेक्स केयर ऑफ थिंग्स इन एवरी थिंग इज ऑल राइट अगर हम ऊपर डेक्लरेशन नहीं डालेंगे तो कम्पायलर कंप्लेन कर देगा जब उस लाइन पर पहुंचेगा कि जनाब ये डेफिनेशन तो मुझे पता नहीं है तो आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इस नाम को सो वी कैन यूज दैट फॉर दिस पर्पज़ विच इज़ मोर स्टाइलिस्टिक where do we place the function, after the calling program or before the, falling, the calling program. If we place it, as I mentioned earlier, before the calling program, no problem, just go ahead and use it. You do not need a separate declaration, but if it comes afterwards, you need a separate declaration. Agli header files ki baat karenge, usme bhi baat declaration kahan But this I want to look at it from a different point of view. हमने ये लेक्चर आज के बाद जो है शुरू की थी बैसे जी वी वांट टू गो टॉप डाउन वी वांट टू डिवाइड एंड कॉन्कर वी वांट टू टेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स इन अ वे द डेक्लेशन जो है इसका एक दूसरा नाम भी है प्रोटोटाइपिंग या गिविंग अ फंक्शन प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप का मतलब होपफुली आपको आता होगा जब भी हम कोई चीज़ पहली दफा बनाते हैं तो उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं मे बी इट इज नॉट अ फुली फंक्शनल थिंग मे बी यह है कि जी एक गाड़ी हमने नई बनानी है तो उसकी शक्ल सूरत क्या होगी कोई तस्वीरें बनाते हैं कोई लकड़ी का ढांचा बनाते हैं कहते हैं जी ऐसी लगेगी बाद में जब मैन्युफैक्चर की बारी आती है तो हम उसके वो डिटेल्स और हर चीज़ कंप्लीट करते हैं इन अ वे द डलरेशन यूज एज अ प्रोटोटाइप इज़ अ गुड वे ऑफ अरेंजिंग योर थाट्स सो यू कैन ब्रेक अप लेट से हमारा रिंग uh, एरिया वाला जो प्रॉब्लम था हम कहते हैं कि जी रिंग एरिया के अंदर हम एक सर्कल एरिया वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे सर्कल एरिया को हम रेडियस पास करेंगे और वो एरिया ऑफ द सर्कल रिटर्न करेगा तो उसकी प्रोटोटाइप इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन डेक्लरेशन ऊपर लिखते हैं और अपना प्रोग्राम लिख लें जो कि रिंग एरिया को कैलकुलेट करता है जब ये लिखा गया नाउ वी कैन वरी अबाउट कि जी हमारे पास एक फंक्शन है जो डिफ़ाइन होना रहता है तो वो आराम से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं सो इन अ वे वी आर फॉलोइंग अ टॉप डाउन मेथडोलॉजी so the declaration can be viewed as prototyping of the function. keep that in mind because it's a different way of looking at things. so breaking a program up into smaller modules, arguments, will come back and so on, and therefore we are using it as a prototype. the definition can wait. Okay. that is one way of looking at the declaration and definition issue. अब देखें कि जी हमने आज दो तीन छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे और उनको इस्तेमाल किया एक हमने रेज टू पावर लिखा था एक ये एरिया वाला लिखा था रिंग एरिया वाला आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं ठीक है ना ये प्रोग्राम्स होपफुली आपके पास हैंडआउट्स में मौजूद होंगे यू कैन पंच द मैन रन दैम योर सेल्फ मेक योर दर्क हाउ डू यू एड समक्शनैलिटी हाउ डू यू एड सम मोर फीचर्स इन टू प्रोग्राम्स I will give you some hints or ideas and you can work with them. Let us take the raise to power function first. If you as written that function only works with positive powers, any variable if you a positive integer, then this function will be done. zero 0 then what will You have to worry about it. You think about it. Maybe it already returns the correct value, maybe it does not.

0 and positive powers of x let us see how you do that this is an exercise for yourself same thing applies to the other little program that we did which was the ring area problem uskender choti si main program we hamne enter the area of the outer circle so red 1 can the or red 2 value what happens if a user you have read 1 key value छोटी दे दे और रेड टू की वैल्यू जो है वो बड़ी दे दे वॉट यू हैव टू वरी अबाउट इज पुट इन सम एर चेकिंग अगेन पोलाइट सो इफ द यूज इन सिस्टर सर्कल छोटा है और इनर सर्कल बड़ा है विच मींस यू प्रॉबली गेट अ नेगेटिव आंसर फॉर द रिंग एरिया यू शुड पुट इन सम एर चेक इफ रेड वन इज लेस देन रेड टू Give some message that the outer circle must be larger. If red 1 is equal to red 2, and remember equality ka operator is double equal to sign. दे 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 ना ना, outer circle, inner circle zero answer So, you could put in some error checking. Error checking is also an essential part of programming. Whenever you take input from the user, you must make sure that all cases are handled.

Which is the top-down structured approach? Each function should be a small module, self-contained, and it should solve a well-defined problem. Okay, that is important. Do not artificially divide into little pieces which do not have any worth. Wo ho So, a well-defined, small part, defined self-contained, variable naming, use useful names. फंक्शन के नाम जो हैं वो भी उसी तरह के हों कि देर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सो द कोड बिकम्स रीडेबल ऑलवेज रिमेंबर टू कमेंट योर कोड लॉट्स ऑफ कमेंट्स एट द टॉप ऑफ अ फंक्शन यू शुड गिव एट द वेरी लीस्ट कि जी ये फंक्शन करेगा क्या एंड सो ऑन सो फोर्थ अगले लेक्चर में वी विल वरी मोर अबाउट कॉलिंग बाई वैल्यू एंड कॉलिंग बाई रेफरेंस सो टिल देन खुदा हाफिज